अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यहाँ पर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इन एप्लीकेशंस पर अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आप इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ऐप है, जिसका नाम है दोस्तों BOI बैंक ऑफ इंडिया UPI। इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों आप बिना ATM कार्ड के, बिना आधार कार्ड के, अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तब भी दोस्तों यहां पर इस एप्लीकेशन को बड़ी आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हो और UPI की सारी सर्विसेज आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती हैं। हमारे कहने का दोस्तों मतलब यह है कि अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन आप नहीं चला पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो आप यहाँ पर BOI की तरफ से जो UPI एप्लीकेशन है इसको दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पैसे का दोस्तों लेन देन कर सकते हो, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसका दोस्तों हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, कैसे दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है, कैसे यहाँ पर अपनी UPI ID को क्रिएट करना है, कैसे पासवर्ड बनाना है, कैसे दोस्तों आपको पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने हैं। बस आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बस इस एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर अपने आप को कर लेना है। पूरा प्रोसेस दोस्तों देखने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन है या फिर दोस्तों किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट ओपन है और आप मोबाइल बैंकिंग नहीं चालू करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ UPI यूज़ करना चाहते हो, तो इस केस में दोस्तों आपको बस प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और भीम बैंक ऑफ इंडिया UPI एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों किसी भी बैंक की UPI को क्रिएट कर सकते हो और सक्सेसफुल दोस्तों आप यहां पर अपनी UPI को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ बैंक तरफ से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगी जिनको अलाउ कर देना है, तो सभी दोस्तों परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर लैंग्वेज करने के लिए बोला जाएगा, तो भाई कि किस लैंग्वेज में आप अपनी UPI एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज जो भी आपको सेलेक्ट करना है आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इसकी तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर सेंड SMS के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया आप अपनी वाईफाई बंद कर दीजिए, तो हम यहाँ पर वाईफाई बंद कर देते हैं। वाईफाई बंद करने के बाद में ओके के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, एक बार फिर से सेंड SMS के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों परमिशंस को आपको अलाउ कर देना रहेगा और ये बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यहाँ पर कोई भी दोस्तों फ्रॉड जैसा सिस्टम नहीं होगा और UPI आप बड़ी आसानी के साथ में आप यूज़ कर पाओगे। इंस्टेंटली दोस्तों देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर इसने वेरीफाई कर लिया है और इस पर एक OTP आएगी, OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, तो हमारे पास OTP फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, लास्ट नेम टाइप करेंगे, एक ईमेल ID टाइप करेंगे। मेल ID टाइप करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक UPI ID क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, सेट एप्लीकेशन पिन यानी कि पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा पिन अपना रखना चाहते हो वो पिन टाइप करेंगे और दोबारा से पिन को टाइप कर देंगे तो आपका पिन सेट हो जाएगा। पिन टाइप करने के बाद में सबमिट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन बैंक ऑफ इंडिया UPI एप्लीकेशन। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपने पिन को सेट किया था वो पिन यहाँ पर सेट करेंगे और जैसे दोस्तों पिन को टाइप कर देंगे तो सक्सेसफुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसे हम नॉट नाउ कर देंगे। ये भैया बता रहा है कि आप फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देंगे और आप अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पर टच करेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल एनेबल हो चुका है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने यहाँ पर क्रिएट UPI ID का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आप अपनी UPI ID रखना चाहते हो वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब अपनी UPI ID टाइप करने के बाद में प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर दोस्तों बैंक के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर किस बैंक की UPI ID को आप सेट करना चाहते हैं वो बैंक का नाम सर्च करेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का करेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके बैंक आ जाएंगे, जो भी आपके अकाउंट से बैंक होंगे बैंक ऑफ इंडिया में आपके मोबाइल नंबर से, ठीक है, वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। तो किस में आप अपनी UPI ID को क्रिएट करना चाहते हो तो हम यहाँ पर अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हमारा UPI ID क्रिएट हो चुकी है
और हमारा पिन भी बन चुका है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेशंस का मैसेज आ जाएगा, जो भी UPI ID होगी वो यहाँ पर शो कर जाएगी और इसकी लिमिट आप देख सकते हैं कि 1,00,000 रुपये की लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हमें अगर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपनी UPI पिन को सेट करेंगे। इसके बाद में जितना आपके बैंक में बैलेंस होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको किसी को दोस्तों पेमेंट करना है तो पेमेंट आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं पे का ऑप्शन मिल जाएगा, पे के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जिसको पेमेंट करना है उसकी UPI ID यहाँ पर टाइप करेंगे, UPI ID टाइप करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जिनकी ये UPI ID होगी तो यहाँ पर नाम इनका आ जाएगा, देख सकते हैं नाम आने के बाद में यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे, जितना आपको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करना है टाइप करेंगे। अब जैसे दोस्तों हमें यहाँ पर 50 रुपये पेमेंट करना है तो 50 रुपये पेमेंट करने के बाद में हम यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप अपना UPI पिन यहाँ पर टाइप करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों लाइव देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुल पेमेंट जो सेंड कर दिया गया है और पेमेंट हमारा सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोस्तों लाइव देख सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल UPI एप्लीकेशन के थ्रू हमने यहाँ पर पेमेंट भी करके दिखा दिया, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको पिन क्रिएट करना है, ये सब कुछ हमने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी बैंक को ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया ही होनी चाहिए, किसी भी बैंक की UPI ID को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इससे दोस्तों आपको मोबाइल बैंकिंग वगैरह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कई तरीके के दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।